बाहुबली नेता और बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। मुख्तार अंसारी ने कहा कि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा उनकी हत्या करा सकते हैं। विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे मुख्तार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा डॉन ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर उनकी हत्या करा सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ से आगरा जेल शिफ्ट किए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्तार अंसारी ने कहा कि ये बदले की भावना से की जा रही है। सभी सरकारों ने परेशान करने के लिए मेरा ट्रांसफर किया है। मनोज सिन्हा ब्रजेश सिंह मेरे राजनीतिक दुश्मन हैं। इन लोगों ने साजिश के तहत मेरा ट्रांसफर आगरा करवाया है ताकि कोर्ट आते जाते समय रास्ते में मेरी हत्या कराई जा सके। इतना ही नहीं मुख्तार अंसारी ने इसे अपनी हत्या से पहले का बयान भी बताया और कहा कि मैं इसके लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा। मुख्यमंत्री जहां चाहे मेरा ट्रांसफर करा दे, लेकिन मेरी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है, वह मेरी सुरक्षा पर ध्यान दें। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी सहित कई बड़े अपराधियों को सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके तहत मुख्तार को लखनऊ से आगरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रमुख सचिव कारागार देवाशीष पांडा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद मुख्तार कुनबे में हड़कंप है। तो योगी सरकार द्वारा जेल ट्रांसफर किए जाने से बिफरे विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरे का आरोप लगाया है और आरोप लगाया भी है तो केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा पर। अब देखना होगा कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी के इस बयान को किस तरह से लेती है। देखते रहिए डीबी लाइव।